एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बिल्कुल ईद से रिलेटेड है और वो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बार बार मेल्स आती हैं। चले आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने व्यूवर्स के लिए ज़रूर इसके ऊपर बात कर ली जाए। और मुझे अभी इन्विटेशन था, जाना था मैंने, लेकिन मैंने कहा नहीं, 15 मिनट आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर बनाती जाऊँ, क्योंकि एक बच्ची थी उसको बहुत पेन हो रहा था, तो उसका नाम समरा है। बेटा ये आपके लिए वीडियो है और जो और बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए है। और जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल को भी ज्वाइन किया वो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो बेल आइकॉन आता है ना, अगर आप इसको, यानी जो घंटी थी, इसको सब्सक्राइब करेंगे ना, तो जो लोग आउट ऑफ सिटी रहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से जो आप उसे सवालात पूछती है ना, वो तमाम सवालात मेरी दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और जो मेरी यही ईद से गोश से रिलेटेड चल रही है उसका भी मैं कोशिश फिर करूँगी कि इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, ठीक है जी। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, वीडियो पूरी देखिएगा, थोड़ी वीडियो देखने से आपका जो क्वेश्चन के अंदर जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है जी। और जो आज का इंग्रेडिएंट है वो हमारा है, हल्दी कहते हैं, ये हमारे किचन में अवेलेबल होती है। और अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे आजकल बकरा ईद है और गोश्त जो हम लोग खा रहते हैं उसके बाद होता क्या है? इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी पेट दर्द या स्टमक का मसला। आज जो वीडियो है वो है ये जो आपके मसूड़े सूज जाते हैं ना गोश्त, जैसे ईद का ख़त्म हो रहा है और डेंटिस्ट के ऊपर क्लिनिक में बेतहाशा रश लग गया और उसकी रीज़न क्या थी? तो ये एक इंग्रेडिएंट है जिसको हल्दी कहते हैं, ये हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होता है। और वो ये कि जैसे गोश्त हम लोगों ने खाया और क्लिनिक के ऊपर बेतहाशा रश लगा हुआ है और उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, कि जो हमने गोश्त खाया ना, जो हमारे मसूड़े हैं वो सूज गए हैं और उनमें दर्द हो रहे हैं और दांतों के अंदर भी फंस गए हैं। इसके लिए कुछ आपको मैं ट्रीटमेंट का एक रेमेडी बताऊँगी और अगर आपको वो सूट नहीं करती तो उसके साथ एक और सब्स्टिट्यूट भी बता दूंगी, वीडियो को पूरी दिखेगा। सबसे पहले तो ये आपने दो काम नहीं करने, एक तो ये जब आपने 3 या 4 दिन भी आपने गोश्त खाया वो आपके मसूड़ों में, मतलब कहीं ना कहीं बोटियों के जरे फंस गए हैं, तो आपने मिस्टेक नहीं करनी। और वो क्या है कि हमारे पास कॉमन पिन पड़ी होती है, सर की पिन होती है, या कोई भी हम एक ऐसी कोई लोहे की चीज़ ले लेते हैं जो हम अपने टीथ के अंदर ना मसूड़ों में बोटी फंस गई, हम निकालना शुरू कर देते हैं। अगर आपको जैसे ई स्टार्ट होती है आप एक टूथपिक ला के रख लें, लेकिन ये चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी, ये मिस्टेक है आपकी, ठीक है जी। या कोई लोहे की ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है बोटी निकालने के लिए हम दांत में डाल देते हैं, सुई ले लेते हैं, खुदारा प्लीज़ ये आपने नहीं करना, ठीक है जी। इसके साथ अब हम अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं कि अगर आपके मसूड़े सूज गए, उनमें गोश्त वगैरह की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, तो आपने ये करना है कि 1 चम्मच हल्दी लेनी है और उसके साथ 1 चम्मच पानी लेके उसको पेस्ट बना लेना है। और जो हमारा टूथब्रश होता है ना जिससे हम दांत ब्रश करते हैं उसको आपने अपने टीथ के ऊपर मल देना है और छोड़ देना है, ठीक है। आपने उसको कम से कम जो है ना, आई थिंक 5 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दें। उसके बाद आपने इसको वॉश कैसे करना है, नीम गर्म पानी से आपने कुलियाँ करके इसको धो लेना है। अब इसके साथ एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन लोग ये हल्दी यूज़ नहीं कर सकते, जिन लोगों ने टीथ नहीं लगवाए हैं या फिलिंग लगवाई है या अभी जैसे दांत वगैरह लगवाए हैं, जो आर्टिफिशियल दांत जिन्होंने लगाए हैं, जिनके नेचुरल दांत है ना, उन लोगों ने ये हल्दी वाली रेमेडी यूज़ करनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपके जो मसूड़ों में सूजन हो गई है, जो ब्लीडिंग हो रही थी, जो दर्द हो रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये हल्दी जो होती है ये एंटीबैक्टीरियल होती है, ये फौरन, जैसे अक्सर आपने देखा होगा हमें चोट लग जाती है तो हम दूध में हल्दी पी लेते हैं, तो ये बेस्ट रेमेडी है। आपके मसूड़ों में जो खून आता है, जो दर्द आता है, वो सब दूर हो जाएगा। और किन लोगों ने नहीं यूज़ करनी वो भी मैंने बता दिया है। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आजकल डेली जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं आप डेली वॉच आउट करें, Part 1, Part 2, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं आपको ईद से रिलेटेड ही वीडियो जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दूँ। मुझे कमेंट्स में और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे ईमेल में कमेंट्स कर देते हैं, आप लोग मुझे वहाँ पर कमेंट्स किया करें, ठीक है। और आप लोगों के प्यार में बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग वीडियो में दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।